souls, all my beautiful kings and queens. Happy Dhanteras to all of you guys. To claim this reading, please write 888 and do like and subscribe my channel. This video is in Hindi and English. Ye video Hindi and English mein hai. And ye video ek reading hai jo jisme main aapke ye reading karne ja rahi hu ke next कौन सी एक आपके विश है जो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा, जो एक कौन सी एक विश है जो आपके नेक्स्ट एक से देख ले के दो महीने में पूरा हो जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को अच्छे से देख लो। एक है पिरामिड और एक है एमिथिस्ट क्रिस्टल के एमिथिस्ट क्रिस्टल। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करते हो वो ही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। आपके पास है 20 सेकेंड्स, प्लीज चॉइस कर लीजिए कोई भी एक ऑप्शन। यू हैव बोथ ऑफ द ऑप्शन, एमिथिस्ट एंड पिरामिड। चूज वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम दिस, इधर चूज एमिथिस्ट और इधर चूज पिरामिड फ्रॉम दिस, एंड विच एवर द ऑप्शन यू आर टेकिंग दैट इज योर पिका कार्ड रीडिंग फॉर टू Today. You have 20 seconds to choose one of the option. जिन्होंने एमिथिस्ट चॉइस करा था, दोज हु चूज एमिथिस्ट क्रिस्टल फॉर देम। पहले मैं हिंदी रीडिंग करूंगी फिर इंग्लिश। आपकी कौन सी एक विश है बहुत जल्द पूरा हो जाएगा? आपके करियर के मैटर में जो भी विश है बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। कोई जॉब ऑफर आपके पास आने वाला है, या अगर आपके अभी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो उसमें आपको परमानेंट जॉब मिलने वाला है, या कोई नया जॉब ऑफर आने वाला है आपके पास, जहां पर आप सोच रहे थे कि शायद उस जॉब में आपको मिले ना मिले, लेकिन वो जॉब आपके पास आते हुए दिख रहा है। एक ब्रिज, एक कम्युनिकेशन उस कंपनी के लोगों के साथ बनते हुए दिख रहा है, एंड यू विल बी एंजॉयिंग दिस जॉब। इस जॉब में आप स्टेबल हो पाओगे। इवन इफ इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है कि एक गवर्नमेंट जॉब है, उस जॉब में भी आप, मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी आपके एक कॉल लेटर्स या ऐसे हो सकते हैं कि आप प्रीलिम क्लियर कर रहे हो। इस तरीके से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव जॉब में भी आपके आ रही है कि आप के सिलेक्शन हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छे कार्ड है जो बता रहे कि आपको कॉल लेटर्स या इंटरव्यू लेटर या जॉब के मैटर में कोई ना कोई ऑफर लेटर मिलने वाला है, जो नया जॉब आपके लिए आपके पास आ रहे हैं। तो यही है आपके रीडिंग। आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जिन्होंने ये एमिथिस्ट क्रिस्टल के क्रिस्टल चॉइस करा था, आपके डेट ऑफ बर्थ है 6/24/15, 3/30/21, 12/1/10/19, 28/9/18, 27/2/20/11, 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MPIRVSNJYU। और आपके जो जोडियक साइन है वो लियो यानी के सिंह राशि, लिब्रिया यानी के तुला राशि, सेजिटेरियस यानी के धनु राशि, एरीज यानी के मेष राशि का हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन, अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, इनमें से कुछ ना कुछ आपके मैच होंगे। अगर मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके करियर के मैटर में कोई ना कोई अच्छा न्यूज आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको एक बहुत ही गुड न्यूज मिल जाए कि आपके बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हो जाए, नया बिजनेस, या बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो, बड़ा कोई प्रॉफिट हो, या कोई नया बिजनेस शुरू करो। इस तरीका के आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज आते हुए मैं देख पा रही हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। Now those who don't understand Hindi, for them in English, you will be receiving some good news regarding your career or finance.
वेरी सून इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफ स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन स्टार्ट अप योर बिजनेस यू मे वट एवर यू हैव प्लान टिल डेट यू मे एग्जीक्यूट दोज थिंग्स एंड यू विल स्टार्ट अप योर बिजनेस इफ इट इज अबाउट योर इट इज अबाउट योर यू नो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू गेट अ परमानेंट स्टेबल जॉब विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स within few weeks only not even few months most probably within 2 to 3 weeks or 6 weeks you will be getting a new job offer a permanent job letter or a job offer which is higher than your salary or higher position job so which is I am seeing it is regarding a job or a career you will be receiving a good news your date of birth would be 3/30/21 and 12 6/24 or 15 or 9/18 and 27 1/10/19 and 28 or 2/20/11 and 29 that is your date of birth so that is all your reading let's get started quickly start karte dusra reading jinhone choice kara tha pyramid jinhone pyramid choice kara tha unke dekhte hain ki कौन सी एक गुड न्यूज या कौन सी एक गुड न्यूज आपके पास बहुत जल्दी ही आने वाला है कौन सा एक गुड न्यूज है जो बहुत जल्दी आने वाला है आपके पास आपके मैरिज के मैटर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आई एम सीइंग दैट यू विल बी गेटिंग समवन हु इज योर ट्रू सोलमेट कनेक्शन अगर आपके मैरिज नहीं हुआ है तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन एंटर कर रहे हैं अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन एंटर कर रहे हैं जिसके साथ आपके आगे में शादी होने वाला है बहुत ही लॉयल बहुत ही जेन्युइन पर्सन रहेगा आपके केयर करने वाला और कोई ऐसे इंसान रहेगा जिसके साथ आगे चल के आपके एक बॉन्डिंग बनेंगे और उसके बाद एक कनेक्शन एक प्रॉपर कनेक्शन रोमांटिक कनेक्शन बनने के बाद शादी हो जाएगी इट कैन कम थ्रू अरेंज मैरिज लव मैरिज जैसे भी हो आपको इंटरनेट में ऑनलाइन कोई मिल सकते हैं या आप ऐसे किसी इंसान को जिसे पहले से जानते थे अचानक ही दोबारा उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं या आप ऐसे कोई इंसान के साथ जो है आपके मुलाकात हो सकते हैं जो एकदम फ्रेश आप उनको बिल्कुल जानते नहीं थे लेकिन फ्रेश आपके लाइफ में एंटर करें और उनके साथ आपके एक रोमांटिक कनेक्शन बने एंड आफ्टर रोमांटिक कनेक्शन बनने के बाद विद इन 6 months आपके शादी होने की चांसेस है दूसरा है कि जो लोग सिंगल है उनका भी मैं देख रही हूँ कि एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप आप भी शादी के लिए नहीं देख रहे हैं लेकिन सिंगल पर्सन है तो उनके भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने की चांसेस आ रहे हैं जहां पर आप दोनों के बीच का जो है एक सेक्सुअल कनेक्शन एक फिजिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा एक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहेंगे और तीसरा मैं देख रही हूँ जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है और काफी सारे परेशानी से चल रहे हो तो नेक्स्ट जैसे 3 months में 3 to 8 months में आपके जो भी प्रॉब्लम था शादी वाला लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में या मैरिज के बीच में जो भी प्रॉब्लम थे चाहे वो इन लॉज के रिलेटेड हो चाहे वो फाइनेंस के रिलेटेड हो चाहे कोई और परेशानी हो अनबन है वो सारे अनबन कट के आप दोनों का एक रोमांटिक कनेक्शन बनने वाला है और आप दोनों शायद कहीं दूर ट्रैवल करने की प्लान बना रहे हो तो ये होते होते आपके नेक्स्ट 7 weeks लग जाएंगे जो लोग मैरिड है एंड स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अब भी आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे 2/20/11 and 29 4/22/31 and 13 5/23 and 14 7/25 and 16 8/26 and 17 and 9/18 and 27 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लाइन लेटर ऑफ द नेम हो सकते G T O D W R L V S N K E U M
एफ ओ वाई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। जोडियक साइन आपके होंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि, और पाइसिस यानी कि मीन राशि, एक्यूरियस यानी कि कुंभ राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, और आपके हो सकते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के। आपके ये जोडियक साइन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट। तो यही है आपके आज के रीडिंग, तीनों में से कुछ भी मैच करेंगे इधर आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक, हॉरोस्कोप के मुताबिक आपके जोडियक साइन, डेट ऑफ बर्थ या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर देम इन इंग्लिश, दोज हु चोज पिरामिड, basically someone new is coming in your life if you are single, and that relationship is going to stay for very long time, like 3 to 5 years. You both will be happy and you both will share a great chemistry, great physical bonding, physical relationship, and this you will be totally, like you will be totally satisfied and happy in this relationship. Just make sure you should not be too gullible in this relationship. You should be someone who actually reserved and who knows what to say. And the second thing, there would be someone who is coming. If you are looking for marriage, there would be someone who is coming or entering in your life through internet or through some parties, like some birthday party or marriage party or wedding party. There you will meet someone who will enter in your life as a friend, but later on this relationship is going to be a permanent relationship, like you may get married to this person. So that is what happening with those who are looking for marriage now, and those who are already married. I am seeing there are some issues between you and your spouse since last 8 to 10 months, but these things will resolve very soon, within some few weeks, like 7 to 8 weeks. You both will sit down and talk to each other, communicate with each other, and after that conversation you both will resolve this problem. That is all about this reading. Hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video. There are details about you, your energy. I should tell that your date of birth could be 9/18/27, 2/20/11/29, 8/26/17, 5/23/14, and 7/25/16. That could be your date of birth. Thank you guys. Have a blessed day. God bless you. Enjoy your day.